राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है प्राकृतिक संसाधन, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। संसाधन सुरक्षा और अपार संपदा दोनों के ही आधार हैं। वे शक्ति और संपदा के भी मूल हैं। जिमर मैन की ये उक्ति मानव के लिए संसाधनों के आर्थिक महत्व को अभिव्यक्त करती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना मानव जीवन असंभव हो जाएगा। भूमि, जल और वायु के बिना हम खेती नहीं कर सकते और बिना खनिजों के उद्योग नहीं चला सकते हैं। इस प्रकार विकास और संसाधन एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्राकृतिक संसाधन मानव की तीन तरह से सहायता करते हैं। एक तो ये विकास के लिए पदार्थ, ऊर्जा और अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। दूसरे, इनसे पर्यावरण का निर्माण होता है जिसमें मनुष्य तथा अन्य जीव रहते हैं। वायु, जल, वन और विविध प्रकार के जीव मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तीसरे, संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ समाप्य तथा कुछ असमाप्य हैं तथा कुछ नवीकरणीय और अनवीकरणीय हैं। भूमि, जल, वायु के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में मानव संसाधनों का संग्राहक मात्र था, क्योंकि तब संसाधनों की बहुलता थी और उसकी आवश्यकताएं कम थी। मनुष्य प्रकृति का अंग था और तब संसाधनों पर मानव का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता था। जैसे जैसे मानव संख्या में बढ़ोतरी हुई, उन्हें उन्नत किस्म के औजार तथा तकनीक मिल गई, संसाधनों का शोषण बढ़ने लगा। अब मानव प्रकृति का शोषक बन गया। आज हम जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर संसाधनों के अवैज्ञानिक उपयोग का ही परिणाम है। संसाधन की संकल्पना। संसाधनों की प्रायः पहचान मूर्त रूप में विद्यमान प्राकृतिक पदार्थों के रूप में की जाती है। संसाधन जैव भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, लेकिन वे तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी उपयोगिता का ज्ञान नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, कोयला सदैव विद्यमान था, लेकिन ये संसाधन तभी बना जब मानव ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका उपयोग करना प्रारंभ किया। पर्यावरण के समग्र पदार्थों के घटक प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें जैव और अजैव दोनों ही प्रकार के पदार्थ सम्मिलित हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद
पृथ्वी के पदार्थों और ऊर्जा के विशाल भंडार में से बहुत कम भाग ही मनुष्य के लिए उपयोगी हो सका है, क्योंकि ये या तो पूरी तरह से अगम्य हैं या ऐसे रूप में हैं कि उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रकृति के भंडार का केवल वही भाग संसाधन बनता है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार संसाधनों की ये परिभाषा दी जा सकती है कि प्राकृतिक भंडार का वो अंश संसाधन है जिसका विशिष्ट तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में संसाधन हमारे समाज के अपने अथक प्रयासों की देन है। ये कच्चे माल तथा नए उपयोगों की खोज के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इन प्रयासों की अधिक गहनता के कारण ही संसाधनों की सूची निरंतर बदलती रही है। इसमें नए तत्व जोड़े जाते रहे हैं और कुछ निरस्त किए गए हैं। इस प्रकार संसाधन मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। विषय वस्तु के आधार पर संसाधनों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक संसाधन। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ जैव भौतिकी पर्यावरण के तत्वों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आर्थिक तंत्र के बाहर से प्राप्त होने वाले जैव और अजैव पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधनों में भौतिक लक्षण जैसे भूमि, जलवायु, जल, मृदा, खनिज तथा जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्यजीव और मत्स्य क्षेत्र शामिल हैं। लोगों की संख्या और गुणवत्ता मानव संसाधनों का निर्माण करते हैं। लोगों की एक निर्धारित संख्या और गुणवत्ता के घटने पर विकास की गति धीमी भी पड़ जाती है। निरक्षर और कुपोषित जनसंख्या तथा विरल जनसंख्या से विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। प्राकृतिक संसाधन तब तक संसाधन नहीं बनते जब तक मानव उन्हें संसाधनों के रूप में नहीं पहचानते। प्राकृतिक परिघटनाओं का संसाधनों के रूप में ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत जैसे ज्ञान, अनुभव, कौशल, संगठन, प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करता है। इस प्रकार संसाधनों की एक सांस्कृतिक संकल्पना भी है। मनुष्यों की आवश्यकता और योग्यताओं के अनुसार संसाधनों का विस्तार और संकुचन होता है। ये विशेषताएं और क्षमताएं संस्कृति के द्वारा प्रभावित होती हैं। संस्कृति सभी ज्ञान और वस्तुओं का योग है जिन्हें मनुष्य ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पन्न किया है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। प्राकृतिक संसाधन सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे अमिताभ वर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।